हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज लाइफ साइंस के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो टॉपिक वाइज का मतलब क्या है कि जो आपके सिलेबस के अंदर जो यूनिट्स जो डिवाइड कर रखी है लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर, तो उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसमें अच्छा ये रहेगा कि कौन सा टॉपिक हमको उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उसको कम टाइम देना चाहिए, किससे सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन सिक्योर हो सकता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पिछले 3-4 साल का एनालिसिस करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है बायोकेमिस्ट्री। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं आपके 8, ठीक है। फिर सेलुलर बायोलॉजी, फिर सेलुलर बायोलॉजी के भी 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर आता है फंडामेंटल प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेस के लगभग लगभग 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करता है। तो ये सबसे मेजर पार्ट आपका लाइफ साइंस के अंदर रहता है, फंडामेंटल प्रोसेस। तो इसको आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। फंडामेंटल प्रोसेस के बाद बात करते हैं कि सेल कम्युनिकेशन, उसके क्वेश्चन आपके लगभग 12 बनते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करें तो डेवलपमेंट बायोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं आपको देखने को। उसके बाद करते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी, तो उसके क्वेश्चन आपके लगभग लगभग 12 बनते हैं। और सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो उसके आपके क्वेश्चन बनते हैं 7। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं 10। इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी के वेटेज रहता है 18 का। इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन के रहते हैं लगभग लगभग 9 क्वेश्चन। अप्लाइड बायोलॉजी की बात करें, अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं आपके 10 और मेथड्स ऑफ बायोलॉजी के आते हैं आपके 10। अब देखो ये मैंने मोटा मोटा बताया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट यही बैठता है आपके वहाँ पे फंडामेंटल कि इस सिलेबस में से इतने क्वेश्चन आते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री के मैंने 8 बताया तो वहाँ पर 6 तो आपको 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस टाइप से आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन ये सर नेट लाइफ साइंस के अंदर रहता है। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।